पंचकर्म। आयुर्वेद में आपने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा, कई बार बीमारियों को ठीक करने के लिए और कई बार बीमारियों से बचने के लिए। और इस शब्द को सुनकर दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, यार ये पंचकर्म होता क्या है। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद की एक सबसे कमाल की चिकित्सा के बारे में, जिसका नाम है पंचकर्म। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आयुर्वेद में बीमारियों को ठीक करने का दो तरीका है। एक तो है बीमारियों को दबा देना, अर्थात आपको कोई रोग हुआ और उसे दबा के कंट्रोल कर देना, जिसे कि शमन कहा जाता है। और दूसरा तरीका है कि उस बीमारी को जड़ से ही शरीर से बाहर निकाल देना, जिसे कि शोधन कहा जाता है। इसी शोधन की विधि को आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म अर्थात पांच ऐसी चीजें जिसके द्वारा शरीर की सफाई या शुद्धि की जाए, जिससे कि शरीर बीमारियों से भी बचा रहे और ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। अब यह पांच तरह के कर्म क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कर्म का नाम है वमन। वमन अर्थात वोमिटिंग या उल्टी करना। आप सोचेंगे उल्टी करना भी कोई इलाज होता है? जी हाँ, जब कफ की बीमारियां हो या फिर सीने के ऊपर की बीमारियां हो, चेस्ट के जो ऊपर के रोग होते हैं, जैसे कि दमा, अस्थमा, सर्दी, खांसी, मोटापा, थायराइड या फिर मंद बुद्धि होना, बहुत आलस आना, नींद बहुत ज़्यादा आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट के रोग, गले के रोग, तो चेस्ट के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में वमन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो पंचकर्म की जो पहली क्रिया है उसका नाम है वमन, अर्थात वोमिटिंग करके कफ को शरीर से बाहर निकाल देना। और इसे करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है वसंत ऋतु। बीमारी में तो कभी भी किया जा सकता है, पर वसंत ऋतु अर्थात मार्च अप्रैल का टाइम सबसे बेस्ट टाइम कहा जाता है। दूसरे कर्म का नाम है विरेचन। विरेचन अर्थात शरीर की सफाई करना नीचे के द्वार से, जो लूज मोशन या ऐसी दवाइयां खाना जिससे कि बार बार जुलाब हो, लूज मोशन हो और जो भी शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा है वो निकल जाए। यह विरेचन नाम की चिकित्सा, विरेचन नाम का शोधन ऐसी बीमारियों में ज्यादा अच्छा है जो गर्मी या पित्त के कारण होती हैं, जैसे कि सभी तरह के आइटिस, हेपेटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस या फिर शरीर में जलन होना, सूजन होना, बहुत गर्मी लगना या फिर बाल सफ़ेद हो जाना, जल्दी बाल झड़ जाना, बहुत गुस्सा आना, जितनी भी गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में आयुर्वेद में विरेचन किया जाता है। इसे करने का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर का महीना होता है। तीसरी तरह की जो चिकित्सा है जो शरीर को शुद्ध या साफ करती है उसका नाम है बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है एनीमा, पानी वाला एनीमा नहीं। आयुर्वेद में विशेष तरह के तेल और काढ़े कहे गए हैं, उनके द्वारा गुदा मार्ग अर्थात जहाँ से पेट साफ होता है उस एनल रूट से औषधि जो चढ़ाई जाती है उसे बस्ती या फिर एनीमा कहा जाता है। यह चिकित्सा नाभि और पेट के जितने भी रोग हैं उन सभी बीमारियों में सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य चरक तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया की सभी चिकित्सा एक तरफ और बस्ती चिकित्सा एक तरफ, इससे इतना पावरफुल मानते हैं आचार्य चरक। और वर्ल्ड की कोई भी बीमारी हो उस बीमारी में बस्ती कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर करती है। बस्ती चिकित्सा वात के रोग या हवा के रोग, जो कि सबसे ज्यादा बीमारियां हवा के कारण होती हैं, और खास करके 40 की उम्र के बाद जो बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, जो बुढ़ापा रिलेटेड बीमारियां हैं या जोड़ों के दर्द की समस्याएं हैं, महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी बीमारियां हैं या इनफर्टिलिटी, पुरुषों के शुक्राणु के जो रोग है, ऐसी सभी बीमारियों के लिए बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। ये एक ऐसी चिकित्सा है जिसे दिन में रोज जिसका प्रयोग किया जा सकता है। चौथी चिकित्सा का नाम है जो शरीर को शुद्ध या साफ करती है उसका नाम है नस्य।
नश्य अर्थात नाक में तेल या घी डालना। हमने दो बूंद जिंदगी की घी के इस वीडियो में आपको पूरा नाक में घी डालने का साइन समझाया था। ऐसी बीमारियां जो गले के ऊपर होती हैं, अर्थात ये जो आपकी कॉलर बोन होती है यहाँ पे, जिसे कि आयुर्वेद में ऊर्ध्व जत्रु कहते हैं, तो इस कॉलर बोन के ऊपर की जो रोग होते हैं, खास करके जो ENT रिलेटेड डिसऑर्डर हैं या दिमागी बीमारियां हैं, याददाश्त संबंधी रोग हैं, बालों की जो समस्या है, या फिर मानसिक रोग, तनाव, चिंता, बेचैनी, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह के रोगों में नाक में तेल, घी या आयुर्वेदिक औषधियां डालना सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गले के ऊपर होने वाली जो भी अशुद्धि है, नश्य करने से वो सभी की सभी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। और पंचकर्म में जो पांचवी चीज है जो कि शरीर को शुद्ध या साफ करती है, उसका नाम है रक्त मोक्षण, अर्थात शरीर से खून निकालना। अब शरीर से खून निकालने की कई टेक्निक है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कर देना, या लीच या फिर जलौ का उसे लगा के खून को साफ करना, या फिर आयुर्वेद में कहे गए अलाबू या कपिंग मेथड। इन सभी तरीके से शरीर में जहाँ कहीं भी अशुद्ध रक्त इकट्ठा है उसको निकाला जाता है। आचार्य सुश्रुत ने तो रक्त मोक्षण को एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के रूप में कहा है। ऐसी बीमारी जो ना ठंडी से ठीक होती हो ना गर्मी से ठीक होती हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठंडी दवाइयां भी खा के देख ली, सेक करा लिए, सब कुछ कर लिए, और गर्म दवाई भी खाकर देख लिया, पर बीमारी है कि ठीक ही नहीं हो रही है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, या फिर कोई भी दवा खा रहे हैं और उसका शरीर पर अब कोई एक्शन नहीं होता, उस समय आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पंचकर्म में से ये जो रक्त शुद्धि वाली चिकित्सा है, जिसे कि रक्त मोक्षण कहते हैं, अगर इसे करा दिया जाए तो इसे करने से शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी या दोष बढ़े हुए हैं वो सब के सब कंट्रोल में आ जाते हैं या नॉर्मल होने लग जाते हैं। अब पंचकर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या आयुर्वेद हर एक बीमारी में पंचकर्म के बारे में कुछ ना कुछ क्यों बोलता है, तो इसकी विशेषता बताते हुए आचार्य वाग्भट अपने अष्टांग हृदय में कुछ इस तरह कहते हैं। दोषः कदाचित् कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने, ये तु संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरोद्भव। अर्थात कि औषधि खा के या उपवास करके या दीपन पाचन, इस तरह की दवा खा के जो भी बीमारियां जीती जा सकती हैं, वो ऐसा हो सकता है कि समय आने पर जब शरीर कमजोर होगा तो ये जो बीमारी या रोग दबाए गए हैं वो फिर से वापस आ जाएंगे। पर एक बार अगर आपने शरीर को साफ कर दिया या उस गंदगी को ही निकाल दिया शरीर से, तो वो बीमारी कभी नहीं होती। इसलिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का इतना महत्व है। तो पांच तरह के जो विशेष कर्म होते हैं जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, आयुर्वेद में उसे ही पंचकर्म कहा जाता है। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आयुर्वेद के बारे में आप क्या सीखना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए YouTube पर ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।